कुकोल का डिप्रेशन, निराशा, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके पहले वीडियोस में मैंने कुकोल, बुल और हॉट वाइफ के बारे में चर्चा की हुई है। अब मैं बात करूँगा कि एक कपल की, एक कुकोल की, उसको डिप्रेशन कैसा और क्यों आया। यह बात वो व्यक्ति की है कि जो करीब करीब 50 साल का है। पिछले 5-7 साल से उसको वो फैंटासी थी कि भाई अपनी पत्नी अपने कोई व्यक्ति के, बाहरी व्यक्ति के साथ में वो सेक्स कर रही है वगैरह वगैरह, और उसमें उसको मज़ा आता था। वी कैन से सेक्सुअल परवर्शन, कि भाई अपनी पत्नी और किसी के साथ में सेक्स कर रही है, ऐसा फैंटासाइज करना, एंजॉय करना, उसमें उसको मज़ा आना। तो उसको ऐसा था 4-5 साल से, मगर वो कभी बात नहीं करता था। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े हो गए, दोनों पति पत्नी हैं, बच्चे बड़े हो के मतलब कॉलेज में जा रहे हैं, घर में दोनों ही बच्चे हैं और पैसिव इनकम आ रहा है, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था इनकम का भी। फिर धीरे से उसने अपने पति को समझाया, बात किया कि भाई मुझे उसमें बहुत मज़ा आ जाएगा यदि तू और किसी गैर के साथ में यदि सेक्स करती है तो, क्योंकि मुझे बहुत दिन से ऐसा लग रहा है कि उसमें मुझे मज़ा आएगा यदि वो तू करती वैसा। तो उसने बोला हट, मैं ऐसा कैसा करूँगी, आप कुछ भी बातें कर रहे हैं वैसा। उसको पहले पत्नी को ऐसा लगा कि भाई ये मेरे ऊपर शक कर रहा है क्या, जानबूझ के उल्टा बोल रहा है क्या, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था, पत्नी का कोई अफेयर नहीं था बाहर। तो उसको पहले ऐसा लगा कि जानबूझ के ऐसा उल्टा बोल रहा है। फिर जब उसको पत्नी को मालूम पड़ा कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, जानबूझ के उल्टा बोल रहा है, सीरियस है, और फिर उसने उसको बोला ठीक है आप क्या कहना क्या चाहते हैं, बोले मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि भाई तू और किसी के साथ में सेक्स कर रही है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है वैसा फैंटासाइज करने के लिए, तो क्या करेंगी क्या ऐसा। धीरे धीरे उसके ऊपर हैमर करते गया करते गया करते गया। 4-5 महीने के बाद में वो पत्नी को भी लगा ठीक है अभी ये बोलता ही है तो चलो इसके लिए करेंगे, क्योंकि फिर क्या हो गया कि वो ना बोलती रही तो उनमें बहुत झगड़े, चिड़चिड़ापन, झंझट चालू हुई, छोटी छोटी बात के ऊपर क्वारल, कुछ बात नहीं है झगड़े की तभी ये झगड़ा करना चालू हो गया। तो उसको लगा कि चलो भाई वो उसके कारण करते रहते, चलो उसका हाँ बोल देंगे कि चलो क्या फ़र्क पड़ रहा है ऐसा किया, तो कम से कम अपनी शादी तो बच जाएगी, कम से कम मतलब दिमाग को तो शांति आ जाएगी। फिर जब इसने हाँ बोला तब तक तो उसने और अपने एक दोस्त के साथ में ऐसी बात करके रखी हुई थी कि भाई उसकी भी मिसेस, उसकी भी पट्टी नहीं थी मिसेस साथ में, उसका भी कोई अच्छा चल नहीं रहा था, ये दोनों भी दोस्त अच्छे थे। तो इसने उसके पास में बात किया कि तू तो तेरा वैसा पट्टा नहीं है, तेरे पत्नी के साथ में तेरे झंझट झगड़े होते हैं और तू ऐसा मेरे से बोलते रहता है कि तेरा सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं है, तो क्या तू मेरे पत्नी के साथ में कर सकता है सेक्स, तो मैं हाँ तेरे को हाँ बोलूँगा। अभी उसको तो शौक ही लग गया ऐसा कुछ बोलने का, उसको लगा कि मजाक कर रहा है। फिर धीरे 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 उसको भी पटाने लगा और धीरे धीरे उसको लगा ठीक है भी कर लेते हैं। तो उसने उसको बुला के उनका सेक्स करवाया। ये क्या करता था, ये बाहर बैठा था, खुद एंजॉय करता था, और वो जब भी हफ्ते में एक आधी बार, दो हफ्ते में एक बार, धीरे धीरे उनका वो चालू हो गया। क्या हो गया कि इससे घर में झंझट झगड़े खत्म हो गए दोनों के। जब इसको चाहिए कुकोल को तब ये सेक्स करता था, जब उसको चाहिए तब वो आदमी को बुलाता, बाहर बैठता था, वो एंजॉय करता था, और ये चल रहा था। 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कभी आया, तो ये घर का फैमिली मेम्बर जैसे ही था, आना जाना बातें, तो किसको शक आने का कोई कारण नहीं था। मगर ये जब कुकोल उसको बुलाता था तभी वो आता था, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी आ गया उसकी रिलेशनशिप, क्योंकि बात ही ऐसी बन गई थी कि नहीं नहीं। अभी क्या हो गया कि बीच में कुछ दिन इसकी तबीयत खराब हो गई और बुखार आ गया, शायद वो कोरोना का टाइम होगा, तो उसमें कोरोना जैसे ही उसके मतलब सब सिम्टम्स थे, और उसको डॉक्टर ने हॉस्पिटलाइज करने के लिए बोला, हॉस्पिटलाइज किया। और काफ़ी लोगों को हमने देखा कि कोरोना के बाद में बहुत लोगों को सेक्सुअल वीकनेस भी आया था, तो उसको जरा कोरोना में जो 10-12 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती था, अभी हुआ क्या कि कोरोना के पेशेंट को डॉक्टर मिलने देते नहीं थे, आइसोलेट करते थे, तो फिर डेफिनेटली घर के लोग कोई आते नहीं थे, मिलते नहीं थे, और ये दिमाग में बैठे बैठे सोचता था कि क्या अभी मेरे वाइफ मिलती होंगी क्या, उसको उनका चल रहा है क्या। और एक्चुअल में वैसे ही हो रहा था कि ये हॉस्पिटल में भर्ती था और इनका अफेयर चालू हो गया, उनका रेगुलरली विजिट करना, सेक्स करना चालू हो गया। धीरे धीरे उसके पत्नी को भी मज़ा आने लगी इसके साथ में, और वो उनका चालू हो गया। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आया तो उसको, तो उसने पूछा उसके पत्नी को कि, तो उसने बोला हाँ आपने तो मेरे को इंट्रोड्यूस करके दिया हुआ है, आपने तो बोला है कि करो और आप भी नहीं थे और वो आते रहा, फिर मैं ना कैसे बोलूँ, और मैंने किया। अभी उसको ये हो गया कि अभी उसको ना कैसे बोलूँ, मतलब मना कैसे करूँ, ये मना कर रहा तो वो भी मान नहीं रही, वो उसके फ्रेंड को मना कर रहा तो वो भी मान नहीं रहा, बोले आपने इंट्रोड्यूस करके दिया और अभी आप ही नहीं बोल रहे। अभी तो पत्नी को भी वो लत लग जैसी लग गई कि उसका अफेयर ही चालू हो गया उसके साथ में,
वो दोनों तो एक दूसरे में बहुत ही इन्वॉल्व हो गए। अभी उसको ये प्रॉब्लम हुआ कि ना किसी को बाहर बोल सकता है, उसको इतना डिप्रेशन आ गया कि मैंने मेरे हाथ से ही कितनी बड़ी गलती कर दिया। फिर से उसको इतना डिप्रेशन आ गया कि मैंने मेरे हाथ से ही कितनी बड़ी गलती कर दिया। अभी वो एवर्शन तो बाजू में गया, अभी जब वो घर में रहने के बावजूद भी आता था और सेक्स करता था, ये कुछ नहीं कर सके, अभी तो उसको एवर्शन हो गया उल्टा कि अभी ये क्या हो गया। अभी तो वो तो चिड़चिड़ापन अभी उल्टा चालू हो गया कि मत कर, और वो बोले नहीं तो करूँगा ही, और ये बाहर किसी को बोल भी नहीं सकता है, ये इनकी तिगड़ी चालू है, और अभी ये सब पूरा जो गेम है वो पूरा उलट गया। इसमें उसको काफ़ी सारा डिप्रेशन आ गया और फिर उसने हमें कंसल्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये कुकोल्ड हॉट वाइफ और बुल की तिगड़ी में इसको डिप्रेशन आ गया, यहाँ तक कि उसको लगा कि अभी मैंने सुसाइड करना चाहिए। फिर मैंने उसको काउंसलिंग किया कि देखो आपकी ही करनी है और आपकी करने का फल आप भोग रहे हैं, तभी इसमें क्या कर सकते हैं वो देखो, व्हाट इज़ पॉसिबल, क्या संभव है। बोले वो तो दोनों इन्वॉल्व हो गए, वो पूरे तो मतलब यहाँ तक गए कि भाई ये पत्नी मेरी मेरे से डिवोर्स ले लेंगी और शादी करेगी। बोले ठीक है, जो भी आपको चाहिए और उनको चाहिए वो देखो बैठ के बात करो, और सच्चे ऐसा है तो ठीक है, जो हो गया वो आपको मानना पड़ेगा, सुसाइड करके क्या होगा। तो मैंने उसको काफ़ी काउंसिलिंग किया, उसमें उसने भी मान लिया कि ठीक है अभी जो होगा वो देख लेंगे। उसने उससे पत्नी से विभक्त हो गया वो, और फिर मुझे बताने लगा कि मैंने उनको परमिशन दे दी, आपको शादी करना है तो करो, जो मर्जी करना करो, मैं तो अलग हो जाऊँगा, और वो डिप्रेशन से ठीक भी हो गया। तो ऐसा उल्टा भी कार्यक्रम कभी कभी हो जाता है, मगर ये चला तो सालों साल चलते रहता है, नहीं तो कभी उलट गया तो उल्टा हो जाता है। इसमें क्या है कि बुल जो है वो इमोशनली इन्वॉल्व ये पत्नी के साथ में हो जाता है, और पत्नी भी बुल के साथ में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है, और वो यदि शादी का निर्णय ले ले तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। ये मेरा एजुकेशन देने का सिर्फ उद्देश्य था कि इसमें लोगों को एजुकेट करना है कि क्या संभव हो सकता है, और ऐसा कुछ हो गया तो ना सुसाइड करना है, उसमें से रास्ता कैसे निकालना है वो देखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।